सिंगरौली जिले में ठंड के बाद अब कोहरे की चादर पूरी तरह से छा गया है। यहाँ जो विजुअलिटी है बामुश्किल 8 से 10 मीटर है। जो यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, लाइट जला के निकल रही हैं, और यहाँ गलन के साथ ठंड पड़ रही है। आज ये हम बेलौजी महापौर मंगला लाइन में हैं। यहाँ पर पहले इस चौराहे पर बहुत सारे लेबर यहाँ पर आकर अलाव से ठंड में राहत पाते थे, लेकिन इस साल यहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे जो मजदूर हैं, जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, कुछ चितरंगी या देवसर से आए हैं, वो यहाँ पर रुके हुए हैं, और चूंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में उन्हें जो नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इन्हीं सभी मजदूरों से पूछेंगे कि जिस तरह से ठंड पड़ रही है, अगर अलाव होता तो कितनी राहत मिलती ठंड से। ठंड ज़्यादा पड़ रही है, पिछले साल यहाँ पर बहुत अलाव की व्यवस्था इस चौराहे पे हुआ करती थी। कितनी ठंड पड़ रही है और किस तरह की समस्या आ रही है? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, ठंडी पड़ रही है, बहुत सारी ठंडी पड़ रही है सर, बहुत ज़्यादा ठंड आग लगी नहीं आज से पड़ रही है। कम से कम हम लोगों के पास ओढ़ने दसाने की भी नहीं है कुछ। अच्छा जी सर, तो कहाँ रहते हो यहाँ पर? यहाँ पर ये महापौर बंगला रहते हैं सर। तो नहीं तो बंगले पे रहते हो, महापौर बंगले के पास रहते हो, तो लेकिन सोते कहाँ हो, रहते कहाँ हो, क्या व्यवस्था? यही बाहर में रहते हैं सर। अच्छा, यही बाहर रहते हो? बाहर मैदान में रहते हैं। ये बिस्तर उस्तर लगा है सर जी, देख लीजिए ना। अच्छा, गरीब तो अलाव होता तो किस तरह से राहत मिलती? बहुत राहत, ठंडा नहीं लगता। हाँ, ठंडा नहीं लगता सर। परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी हो रही है सर। क्या यहाँ पिछले साल अलाव जलता था? जी जी सर। हाँ, पिछले साल तो रहा, इस साल अलाव नहीं जला? इस साल नहीं, इस वर्ष नहीं जला, इस बार नहीं जला। वहाँ रोड पे, मेन रोड पे, तो यहाँ खाना यही लकड़ी से ही बनाते हैं आप? आप देख पा रहे हैं कि ये लोग घर से, अपने गांव से लकड़ियाँ लेकर आते हैं और यहीं पर खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, और 9 बजे अपने काम के लिए निकल जाते हैं। देर शाम ये 5 बजे आते हैं, और शाम 5 बजे के बाद भी ठिठुरन बढ़ जाती है, और ठंड ज़्यादा होने की वजह से इन्हें ठंड लगने का भी खतरा है। लेकिन नगर निगम की जो व्यवस्था होनी चाहिए ठंड में, कि अलाव की व्यवस्था हो, ताकि जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, जो सड़क के किनारे अपना गुजर बसर करते हैं, जो मजदूर हैं, जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, उन्हें ठंड से राहत मिल सके। लेकिन इस बार नगर निगम ने यहाँ पर किसी तरह की अलाव की व्यवस्था नहीं किया है, इस वजह से लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? देवसर। तो कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? आज 15 दिन हो गया। तो 15 दिन में एक बार भी अलाव नहीं जला? नहीं जला सर। आज 2 साल से हम लोग यहीं पड़े हैं। मान लीजिए पहले अगले साल में जला था आग, इस बार नहीं जला है। हम लोग यहीं ठंडे में कुड़कुड़ा रहे हैं, बहुत कोहरा पड़ रहा है सर जी। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी लेबर के काम करते हैं, ईंटा गारा मसाला के यही पाए नहीं पाया, फिर भी आया यहीं। क्या नाम है आपका? सुब्बा लाल साकेत। कहाँ से आए हैं? देवसर नोएडा। अभी हम पहुँच चुके हैं सिंगरौली जिले का हृदय स्थली बेलौजी में। ये वार्ड 42 कहलाता है, और ये यहाँ, यह मैं अभी कलेक्ट्रेट से बामुश्किल 200 मीटर दूरी पर हूँ। यहाँ पर सिंगरौली ज़िले में जिस तरह से आज कोहरा पड़ा है, कोहरे में आप देख पा रहे होंगे कि पूरा शहर कोहरे से ढका हुआ है, और लगातार जो विजुअलिटी है बेहद कम हो चुकी है। 8 से 10 मीटर दूर से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हो कि जो यहाँ गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लाइट जला के आती जाती दिखाई नज़र आ रही हैं, लेकिन इस चौराहे पे पहले नगर निगम का जो अलाव की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन इस बार अलाव की व्यवस्था नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि महज खाना पूर्ति करते हुए नगर निगम ने 1-2 लकड़ियाँ रख कर अलाव की व्यवस्था किया है। अब यहाँ जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि अगर अलाव की व्यवस्था होती तो किस तरह से ठंडी से निजात मिलती। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं।
भैया अलाव की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पहले अलाव जलता था, किस तरह की समस्या हो रही है आप बताइए। लग रहा है वो ठंडी, कपड़ा भी नहीं, ओढ़ने को, बिछाने को, कुछ खाने को कुछ नहीं है। पूरी व्यवस्था करवाए हम, हमारे लिए अलाव की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है। लकड़ी थोड़ा सा दिया था, वो भी लकड़ी बढ़ा गया। कहाँ से आए हो? ये तो एमपी से आए थे, सागर जिले से हैं। अच्छा, क्या करते हो? खुरपी। अच्छा, कुछ व्यवस्था यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं है? एक थोड़ा सा लकड़ी पहले दिया था, हमारे लिए कम्बल अम्बल कुछ नहीं है, ना स्वेटर मोटर देखो नहीं है, जले पले पूरे कपड़ा पहने। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा मंगल सिंह।